नाम अनाउंस कर दिए बीजेपी ने, कितने कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट को देखा गया इस लिस्ट को जारी करने से पहले? भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, आज 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। इन 85 प्रत्याशियों में 43 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पार्टी प्रत्याशी के रूप में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 34 युवा चेहरे हैं, 14 महिलाओं को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और वहीं दिग्गज और अनुभवी नेताओं को भी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से इन सभी प्रत्याशियों को पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। सर, इनमें कई नाम ऐसे भी हैं जो पिछली बार जिनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से सरकार एक बार गई थी, कांग्रेस सरकार बनी थी। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव का परिणाम एक्सेप्शन था। कांग्रेस के बड़े बड़े वादे, लुभावने वादे, इसके कारण से वो चुनाव का परिणाम आया था। लेकिन निश्चित रूप से अब जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग उन्हें मिलेगा, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिलेगा और छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। सर, धान को कैसे काटेंगे? धान तो अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर चल ही रहा है। देखिए, गांव, गरीब और किसान आजादी के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस के प्राथमिकता का हिस्सा कभी नहीं रहा है। गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाकर गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी का काम किया। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो 2003 से पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले, किसानों की जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार में हुआ था, किसानों के धान को पानी में डालकर रिजेक्ट किया जाता था और अपने धान की कीमत पाने के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाता था, यूरिया के लिए भटकता था, लाइन लगाता था, ब्लैक में खरीदना पड़ता था, धान की खरीदी का सुव्यवस्थित योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और जहां तक आज धान की जो कीमत मिलती है उसकी 90% राशि केंद्र सरकार देती है, बहुत थोड़ी सी राशि राज्य सरकार देती है। और थोड़ी राशि देकर एक हाथ से लेकर किसानों से दोनों हाथों से लूटने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। किसानों के रकबे काटे, बारदाने के पैसे आज तक नहीं मिले, किसानों के चौथे किस्त में कटौती की और वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर किसानों को मजबूर किया। 4.5 साल तक किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया, फर्टिलाइजर ब्लैक में खरीदने का मजबूर किया। तो किसानों का शोषण ही इस सरकार ने किया है। आज किसान के बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन पा रहा है, अस्पताल नहीं बना पा रही है। आज वही किसान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुआ है कांग्रेस की सरकार के कारण। आज वही किसान एक एकड़ भी सिंचाई का रकबा यह सरकार नहीं बढ़ा पाई है। तो गांव, गरीब और किसान के साथ अन्याय भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर तरह से किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है, समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि कर रही है। आज 2200 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य हो गया है, ऊपर से 6000 रुपए चाहे वो 50 डिसमिल जमीन का किसान हो उसको भी 6000 रुपए साल का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने का काम, और
फर्टिलाइजर की कीमतें जब आसमान को छुई, कई गुना बढ़ा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे अपने ऊपर लिया, किसानों के ऊपर एक रुपए का भी बोझ आने नहीं दिया। तो किसानों की तरक्की और बेहतरी का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। गांव गरीब और किसान के साथ अन्याय हमेशा से कांग्रेस ने किया है। सर एक टिकट की बात करें, सर बिरनपुर में आपने जो साहू जी को टिकट दी वो तो ना आपके